गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 11, यूनिट 4, मूविंग थिंग पीपल एंड आइडिया। ये चैप्टर है फिजिक्स का, मेजरमेंट एंड मोशन। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम आगे से पढ़ेंगे। नाउ इन मॉडर्न टाइम वी हैव एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, सुपरनिक जेट एंड रॉकेट। We also have electric train and car, nuclear power, submarines and aircraft carriers. Engineers and scientists are also working on solar power vehicle. The different modes of transportation make it possible for people to travel to even the remotest corner of the earth. Human being not limited their scope of travel just to the earth they inhabit. Their quest to explore has led to the development of space shuttle that made the travel possible. As technology is advancing, the mean of transport is become more and more exotic. Who know what the popular mean of transportation will be a century from now? Why do we need to measure distance or length? When we go from one place to another, it is of interest to know how far we have traveled. That is, we need to know the distance between the two places. We may need to know the distance for several reasons. For instance, depending on far your school is from your home, you may decide to travel on foot, by bus, car, or a bicycle. In this case, knowing the distance between your home and school helps you in choosing a suitable mode of transport. Measurement of length is also important. A tailor need exact measurement to stitch your clothes that would fit perfectly. You may want to know how big your playground is, or if you are taller than your friend. Some of these examples are measurement of length. अब मैं आपको इस पेज का मतलब समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले बता रहा है, जैसे कि मॉडर्न चीज आ गई है, मॉडर्न टाइम में मॉडर्न चीज आ गई है, जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक जेट, रॉकेट, और हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन है, और कार्स हैं हमारे पास, न्यूक्लियर पावर है, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और इंजीनियर और साइंटिस्ट वो चीज़ खोजने में लगे हुए हैं जो सोलर लाइट से चलता हो, मतलब सूरज की लाइट लेके वो अपना सोलर लाइट से चले। इससे हम बड़ी आसानी से किसी भी दूसरी जगह जा सकते हैं। और उनने एक और चीज़ किया है कि अब अगर हम चाहें यहाँ से चांद पे जाने का, अब तो हम जा सकते हैं, हमारे पास रॉकेट है, पर पहले रॉकेट नहीं था जब, तो लोगों के दिमाग में आता भी नहीं था चांद में जाने का अभी। अब हमारे पास इतना सारा चीज़ है तो हम जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे कि बढ़ते जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छी तरीके से बनते जा रहे हैं, और लोग उसे मान भी रहे हैं, उसे ही यूज़ कर रहे हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें पता पड़ जाता है हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं, पर पहले नहीं पता पड़ जाता था, और हमें किस रास्ते में किस डायरेक्शन में जाना होगा ये भी हमें पता पड़ जाता है, और हमारे स्कूल से हमारे घर तक का रास्ते में कितना कैसे रोड है
वो भी हमें पता पड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है, मैप है। मतलब डिस्टेंस, एक अगर आप कार लोगे तो कार में भी डिस्टेंस नाप जाते हैं, बाइक में भी डिस्टेंस दे देता है। तो अब मैं मेजरमेंट पढ़ता हूँ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अ टेलर नीड एक्सैक्ट मेजरमेंट टू स्टिच। मेजरमेंट जो होता है वो ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग जो दर्जी होते हैं वो जो सिलते हैं किसी कपड़े को, उन्हें एकदम परफेक्ट साइज चाहिए होता है, परफेक्ट साइज। अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो हमारे लिए फिट नहीं होता वो। इसीलिए मेजरमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका फ्रेंड आपसे ऊंच टॉलर नहीं है, आप उससे टॉलर हो, तो आपका मेजरमेंट उससे ज़्यादा आएगा। और अगर आपका प्लेग्राउंड बहुत बड़ा है और आप उससे टॉलर, यही एग्जाम्पल है मेजरमेंट के। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ साइज और क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। व्हेन वी टॉक अ मेजरमेंट, वी हैव टू थिंक ऑफ टू थिंग्स। जब हम मेजरमेंट के बारे में सोचते हैं ना, हमें दो चीज़ के बारे में सोचना होता है, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट कैसे करें, ये रूलर एंड मेजरिंग टेप आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज टू बी मेजर लेंथ। व्हेन वी रिप्रेजेंट लेंथ वी से 8 सेंटीमीटर, 15 किलोमीटर एटसेट्रा। You will notice that the representation of length has two parts, a number 8 or 15 followed by unit cm or km. A unit is a fixed quantity which respect to a physical quantity such as length is measured. इसका मतलब है कि जैसे कि टेप, मतलब मेजरिंग टेप अधिकतर किस तरीके से होता है, 8 सेंटीमीटर या फिर 8 किलोमीटर, 1 मीटर, तो इसी और बहुत सारे। और आप सोच रहे होंगे ये 8 और 15 है, उसे छोड़ो, तो ये पीछे क्या लगा है। जो पीछे होता है ना वो यूनिट होती है, जैसे के एम, सी एम, एम एम, एम डी ए एम, ये जो भी होती है ना लास्ट में लगी होती हैं वो यूनिट होती है। वो यूनिट जो होती है ना वो फिक्स क्वांटिटी होती है। और 8 और 5 जो होता है ना वो नंबर होता है, वो उसे डिफाइन करता है, और ये उसे उसकी यूनिट होती है। जैसे कि आपने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा यूनिट, तो उसके साथ ही है, जैसे कि मीटर, मिलीमीटर आपने जरूर पढ़ा होगा। अ यूनिट इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट सच एज हैंड, आर्म, फीट स्टैंडर्ड्स टू मेजर लेंथ। दिस लेड टू यूनिट सच एज हैंड स्पैन, क्यूबिट, यार्न, फैथम मेजर टू मेजर लेंथ। फुट, पेस एंड यार्ड आर सम अदर यूनिट बेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट। हाउएवर दिस यूनिट आर नॉट रिलायबल एज द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट वेरिएबल वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देयरफॉर पीपल रिलाइज नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब बताना चाह रहा है हमें कि पहले हमारे पास ये, जैसे कि रूलर नहीं होते थे, स्केल नहीं, और हमारे पास मैप, उनके पास नापने के लिए कुछ होता नहीं था, वो अपने बॉडी पार्ट से नापते थे। एग्जांपल हैंड स्पैन। हैंड स्पैन क्या होता है? हैंड स्पैन ये, जैसे कि आप ये इस वाली फ़ोटो में देख सकते हैं। और क्यूबिट, क्यूबिट क्या होता है? और फैथम, दोनों हाथ के डिस्टेंस, दोनों हाथ स्ट्रेच करने हैं और उन दोनों हाथ का डिस्टेंस। और एक एल्बो, सॉरी नी, एल्बो टू मिडल फिंगर डिस्टेंस।
fully stretch. And hand span, little finger and thumb fully stretch. पर लोगों के अलग अलग आते थे, जैसे किसी लड़के का वो एक बोतल पे आ रहा है, किसी का जो छोटा है उसका वो दो में आ रहा है. तो इसलिए लोगों ने सोचा और साइंटिस्ट इंजीनियर ने मिलके बनाया ये यूनिट, और ये यूनिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा.